बताएं मॉर्निंग आज कौन सी खबर है। देखिए, सरकार नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए देश भर में एक इंडिपेंडेंट कॉमन ऑपरेटर बनाना चाहती है, जिसका काम ये होगा कि जितने भी पाइपलाइन है उसको एक ही एंटिटी जो है ऑपरेट करे और सभी कंपनियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ये सरकार की योजना है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने बजट 2022 में की थी। उसको लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक प्रस्ताव भेजा था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, जिसमें ये कहा गया था कि जो TSO जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर होगा वो एक PSU होगा, उसका स्ट्रक्चर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी के तौर पर होगा। लेकिन अब हमें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इस स्ट्रक्चर को, इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है और ऑयल मिनिस्ट्री से ये कहा है कि एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिसमें निजी कंपनियों की भी भागीदारी हो, क्योंकि जो प्रस्ताव दिया गया था उसमें ऑयल मिनिस्ट्री ने यह कहा था कि 51% हिस्सेदारी जो होगी TSO में वो सरकार की होगी और बाकी की जो हिस्सेदारी होगी वो PSU में ही, चाहे वो ONGC हो, IOC हो, HPCL हो, EIL हो, उसके बीच में बाकी हिस्सेदारी बटेगी। लेकिन इस प्रस्ताव से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सहमत नहीं है और ये कहा है कि जो न्यू PSU पॉलिसी आई है जिसमें ये कहा गया है कि काफ़ी कम कंपनियां ही स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रहेंगी और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की ज़्यादातर कंपनियों का विनिवेश कर दिया जाएगा या उसका निजीकरण होगा, उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को वापस कर दिया गया है और नए स्ट्रक्चर की मांग की गई है जिसमें निजी कंपनियों की भी हिस्सेदारी हो सकती है। आपको जैसा कि पता है कि सरकार पाइपलाइन बिजनेस में गेल की मोनोपोली खत्म करने के लिए और सभी कंपनियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले उसके लिए TSO का प्रस्ताव दिया है और उस पर काम चल रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि नया स्ट्रक्चर कैसा होता है और फिर से नया कैबिनेट नोट जो है पेट्रोलियम मंत्रालय कब भेजता है। तो ये प्रकाश की तरफ से एक एक्सक्लूसिव खबर आते हुए, और अब चलिए ये भी समझ लेते हैं कि स्ट्रीट पर क्या